पाकिस्तान के कदावर मंत्री, अफसर और नेताओं की हार्टबीट इन दिनों इसी अंदाज में धड़क रही है। इसी टिकटॉक की वजह से पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर वीडियो बनाकर सुर्खियां बटोरने वाले दो सुपरस्टार के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि वहां की पूरी इमरान खान सरकार कटघरे में खड़ी है। ये दो टिकटॉक स्टार हरीम शाह सुंदर खटक हैं। इनमें हरीम शाह की विदेश मंत्रालय में घूमते हुए तस्वीरें हो, रेल मंत्री रशीद शेख के साथ पर्सनल चैट हो, इन सभी मुद्दों ने इस वक्त पाकिस्तान सरकार के लिए मुसीबत शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर टिकटॉक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरीम शाह वीडियो बना रही हैं। ये वीडियो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम का है जहां वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है। हरीम एक कुर्सी पर जाकर बैठती है जिसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर चस्पा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के हॉल की तस्वीर है जहां पर वो कैबिनेट की बैठक करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में जांच बिठा दी गई है और ये पता किया जा रहा है कि हरीम शाह वहां तक कैसे पहुंची। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में हरीम शाह ने इस मसले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक विजिटर के तौर पर उस कमरे में गई थी। हरीम शाह ने कहा कि वह नेशनल असेंबली भी जाती रही है और कभी भी उन्हें किसी ने नहीं रोका था। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि वो वहां पर एक विजिटर के तौर पर पहुंची थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में किसी स्टाफ की मदद से पहुंची। हरीम शाह तब तक सुर्खियों में आई जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद के साथ वीडियो चैट कर रही हैं। इस वीडियो में वो इमरान के मंत्री पर गुस्सा हो रही है। इस वीडियो में हरीम शाह कहती है, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया है, आप वीडियो पर गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे। पिछले करीब एक हफ्ते से ये वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सुर्खियां बिटोर रहा है। मीडिया इमरान सरकार से सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन इस सभी के बीच मंत्री शेख रशीद इन दिनों हज करने गए हुए हैं। वह लगातार अपने सोशल मीडिया पर मक्का से तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये वही मंत्री हैं जो लगातार भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देते रहते हैं। ना सिर्फ हरीम शाह बल्कि एक और टिकटॉक स्टार सुंदर खटक के साथ पाकिस्तानी मंत्री के वीडियोस वायरल हुए हैं। सुंदर खटक भी टिकटॉक पर सुपरस्टार है। कुछ वीडियोस में वह हरीम शाह शेख रशीद के साथ दिख रही हैं। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें शेख रशीद सुंदर ने कह रहे हैं कि वह अभी जनाजे पर हैं और सुबह उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान में लगातार हो रहे विवाद की वजह से हरीम शाह सुर्खियों में बनी हुई है। सिर्फ नेता या मंत्री ही नहीं बल्कि कुछ पाकिस्तानी पत्रकार सेलिब्रिटी के साथ उनके वीडियो सामने आए थे। इसके बाद हरीम की ओर से आरोप लगाया गया था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि हरीम शाह ने कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार अभी हरीम शाह अज़रबैजान में है और वहां से उन्होंने कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फेक तस्वीरों को वायरल कर उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं। उत्तर भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी टिकटॉक इन दिनों ट्रेंडिंग सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। हरीम शाह लगातार इस ऐप पर वीडियो डालती हैं और वह एक टिकटॉक सुपरस्टार हैं। उनके 20 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और 3 करोड़ से अधिक बार उनके वीडियोस को लाइक किया जा चुका है। हरीम शाह के टिकटॉक अकाउंट पर नजर डालें तो कई वीआईपी के साथ वह नजर आ चुकी हैं। अच्छा, मेरी बात सुने,
मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? ड्रामा क्यों किया? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त? क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त? काम नहीं है, आप लोगों के काम है किसी की इज्जत उछालना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसे कामों से बचाए। प्लीज मेरे पीछे जो हाथों के पड़ गए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके मेरा पीछा छोड़ दें। और बहुत सारे काम है और बहुत सारे लोग हैं, उनके पीछे पड़े और मेरा नाम देखना था। शेख रशीद से हमारी वीडियो कॉल में बात हुई थी, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने मैसेज वगैरह किए तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे। तो हरीम ने जल्दी से रिकॉर्डिंग कर ली कल को, कि कोई प्रॉब्लम बने तो और वो यूज करते हैं, उनके कॉल्स रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद हरीम से भी बात की, मेरे से भी बात की और मिलने को भी बोला उन्होंने। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।